फिर एक्शन मोड पर आए IAS दीपक रावत। इस बार GST चोरों पर ले लिया बड़ा एक्शन। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले IAS और निकाल दी चोरों की हवा। अपने इसी अंदाज से सुर्खियों में रहने वाले IAS दीपक रावत इस बार GST चोरों पर भारी पड़े हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े शहरों में से एक हल्द्वानी में कई व्यापारी बिना GST का भुगतान किए चोरी छिपे सामान मंगा और बेच रहे थे, लेकिन इन व्यापारियों को कहां पता था कि IAS दीपक रावत कभी भी छापा मार सकते हैं। फिर क्या था, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत मॉर्निंग वॉक के बहाने निकले और GST चोरी कर भारी मात्रा में लाए गए सामान को जब्त कर लिया। हालांकि इससे पहले भी कई बार दीपक रावत ने छापे मारे, लेकिन सुबह सुबह उनका ये छापा इन GST चोरों पर भारी पड़ा है। इसके बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शहर के GST अधिकारी को तलब किया, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच में पाया कि कुल 38 पैकेट सामान को बिना GST बिल के लाया गया था। IAS दीपक रावत के इस एक्शन के बाद उन्होंने आयकर, राज्य कर के अधिकारियों के साथ ही पुलिस महकमे के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और सड़क मार्गों पर नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाए और किसी भी प्रकार की राजस्व की चोरी को संरक्षण नहीं दिया जाए। अब दीपक रावत के इस एक्शन के बाद शहर में GST चोरी करने वालों में दहशत का माहौल है और उन्हें डर है कि ऐसा करने पर कभी भी कमिश्नर का डंडा पड़ सकता है। उत्तराखंड तक के लिए नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।